मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग कृतिका का पाठ माटी वाली पढ़ रहे थे। उसमें हमने देखा था टिहरी शहर में एक माटी वाली है, जो एकमात्र माटी वाली है जो शहर में लोगों के घर चौका चूल्हा लीपने का काम करती है। शहरवासी माटी वाले को वाली को उसके कनस्तर को अच्छी तरह पहचानते थे। उसके कनस्तर रखते ही सामने के घर से एक छोटी 9-10 साल की लड़की कामिनी उसको बुलाने आ जाती है, क्योंकि उस शहर में वो अकेली माटी वाली है तो सब घरों में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। सब लोग उसका इंतज़ार करते हैं कि कब माटी वाली आए उनका चौका चूल्हा दिल्ली पे। तो जैसे ही वो लड़की उसको बुलाने आती है तो वो उसको कहती है कि रुक जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हारे घर आती हूँ। और वो अपना कनस्तर नीचे रखकर उसकी मालकिन कहती है कि तुम इस मिट्टी को कच्चे आंगन में उबेल दो। ऐसा आदेश वो मालकिन देती है जिसके घर में वो चौका चूल्हा लीपने के लिए आई होती है। और मालकिन कहती है कि तुम बड़े अच्छे समय आई हो, मैं चाय बना रही हूँ। भाग्यवान लोग होते हैं जो चाय बनाते समय किसी के घर पहुँचते हैं। मालकिन उसको पीतल के ग्लास में चाय उबेल कर देती है और साथ में दो रोटियां भी खाने को देती है। रोटी देखकर माटी वाली बहुत तृप्त हो जाती है और मालकिन के रसोई में जाते ही वो एक रोटी अपने पल्लू में बांधकर रख लेती है और एक रोटी चाय के साथ खा लेती है। इस तरह दिखाया है इस पाठ में कि किस तरह माटी वाली अपनी दिनचर्या को व्यतीत करती है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की हम कहानी देखेंगे। थैंक यू।